वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे पार्ट 15 नौका। तो एक आश्रमवासी को बाबू ने काले केले दिए और उस आश्रमवासी को बहुत बुरा लगा। द पर्सन फेल्ट सो बैड बाय बाबू वाज गिविंग मी ब्लैक स्किन्ड बनाना एंड बाबू टोल्ड हिम दैट योर हेल्थ कंडीशन वाज नॉट गुड एंड द बनाना हुज स्किन इज ब्लैक इन कलर इज सो गुड फॉर हेल्थ एंड यू हैव टू ईट इट। So Babu was taking care of each and every person living in that ashram. Gandhi ashram was seen to अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। Gandhiji itself himself served food for the ashram people. इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। So ashram people won't say anything against the food. They eat even if it is tasteless or half boiled. They won't say anything because Babu himself was serving the food. दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। When Babu was in South African jail, it was his duty to serve the prisoners, hundreds of prisoners daily 2 times. It was his duty to serve food for the prisoners. आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। It was the rule of ashram that everyone should clean their own plates. रसोई के बर्तन बारी बारी में कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। दल बांधना means in group. Okay, so the kitchen utensils, people form a group, different groups clean the kitchen utensils daily. एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। वन डे गांधी जी डिसाइडेड दैट आई विल क्लीन टुडे द किचन यूटेंसिल्स, बिग बिग वेसल्स, आई विल क्लीन इट माई सेल्फ, गांधी जी डिसाइडेड। इन पतीलों की पेंदी में खूब खालिक लगी थी। द बॉटम ऑफ द वेसल्स वॉज फुल ऑफ इट्स ब्लैक इन कलर द स्मॉग। सो इन दोज डेज राख भरे, राख मीन्स एशेस, वुड एशेस, उसकी विद द हेल्प ऑफ वुड एशेस the bottom side of the vessels was cleaned. He was scrubbing the bottom side. At that time Kasturba came there, okay, and said yeh kaam aapka nahi hai, ise karne ko aur bahut se log hai. She hold the vessel and said, this is not your work Babu, there are many other people, they'll do this work, why are you doing this? Gandhiji ko laga ki unki baat maan lene mein hi buddhimani hai. They thought, yeah, it is better to obey the wife's words. So, you know what he did? वे चुपचाप कस्तूरबा को इन बर्तनों की सफाई सुनकर चले गए। He gave those vessels to Kasturba ji and said, you clean the vessels, now I'm going. Now it is your duty to clean the vessels. बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। He want all the plates, utensils, everything to be shine like anything. He want to see everything neat, perfect and shiny. He was so strict in that. एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी से चमका सकते थे। Okay, once in jail, Babu was so unhappy with his assistant's cleaning work. So he told assistant how to clean the plate and other things and how to make it perfect, shiny. Okay, जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबू में सोना पड़ता था। During the construction of Sabarmati Ashram, the people who came there have to sleep in तंबू। तंबू means tent. एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। A new visitor came to Sabarmati Ashram, but he doesn't know where to keep his bed. So इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना चाहिए। सो ही केप्ट हिज बेड देयर एंड वेंट टू एनक्वायर वेयर इज हिज टेंट। लगते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चाहिए जा रहे हैं। बट व्हेन ही रिटर्न बैक ही वाज सो सरप्राइज्ड टू सी दैट बापू हिमसेल्फ वाज कीपिंग दैट पर्सन्स बेड ऑन हिज शोल्डर एंड मूविंग टुवर्ड्स द टेंट। That person was so surprised. Babu was taking his bed to the tent. आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। Daily Babu used to draw water from well for Sabarmati Ashram. एक दिन
गांधीजी कुछ अस्वस्थ थे. वन डे बापू वॉज नॉट फीलिंग वेल और चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बांट चुके थे. बट इवन इफ ही वॉज नॉट वेल ही ग्राइंड वीट एंड चक्की एंड आफ्टर दैट ही वेंट फॉर सम रेस्ट. उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से बटे छोटे बर्तनों में पानी भर डाला. So, one of the person in Sabarmati ashram, with the help of other person, filled all the small and big vessels in that ashram, filled the, with water, in order to help or support Papuji. Gandhi ko yeh baat pasand nahi aayi, but when Bapu came, he saw all the small and big vessels was filled with water. Bapu doesn't like it. Man mein kuch tez bhi laga. He felt bad. Because of me, others have to work. So he felt bad. उन्होंने बच्चों के नहाने का टब उठा लिया. He just took one small tub. Okay? और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए. He filled that tub with, he drew water from the well. He filled that tub with the water and he took it on his head and move towards the ashram. बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ. सो दैट वर्कर फेल्ट सो बैड टू सी गांधी जी डूइंग वर्क. द मीनिंग इज दैट गांधी जी डजंट वॉन्ट टू शेयर हिज वर्क विद समबडी एल्स. ही वॉन्ट टू डू हिज वर्क बाय हिमसेल्फ. वॉट एवर वर्क इट इज. ही डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब अदर पीपल. ही डोंट वॉन्ट टू गिव ट्रबल टू अदर पीपल. Okay, he want to do, he just love to do his work himself, even if his health condition is bad. That was the best quality of Mahatma Gandhiji.